हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पर है गेटिंग वेट इन द रेन। हु लाइक्स टू गेट वेट इन द रेन। रेन जब बारिश हो रही हो तो बारिश में भीगना किसको अच्छा लग रहा है। अ चाइल्ड मेड दिस चपाटी चाट आफ्टर आस्किंग हिज फ्रेंड। चिल्ड्रंस ने ये वाला चपाटी चाट रेडी किया है अपने फ्रेंड्स को पूछकर कि किसको बारिश में भीगना अच्छा लगता है और किसको बारिश में भीगना अच्छा लगता नहीं है। तो चपाटी चाट रेडी किया तो कुछ इस तरीके से दिख रहा था। आप देख सकते हो, देखो जो सर्कल है, सर्कल का हम 4 पार्ट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। देखो ये मैंने कर दिया 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट। 4 में से 3 पार्ट कैसे है, ग्रीन है और एक ब्लू है। ग्रीन पार्ट है वो क्या दिखाता है, दोस हु लाइक द गेट वेट इन द रेन। 3 पार्ट जो ग्रीन है वो दिखा रहा है कि इतने चिल्ड्रंस को बारिश में भीगना अच्छा लगता है। जो 1 पार्ट है ब्लू वो दिखा रहा है दोस हु डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन। ये दिखा रहे हैं कि इतने चिल्ड्रंस को बारिश में भीगना अच्छा लग रहा नहीं है। तो सी द चपाटी चार्ट एंड टेल्स। आपको चपाटी चार्ट देखना है और बताना है हाउ मैनी चिल्ड्रंस लाइक टू गेट वेट इन द रेन। कितने चिल्ड्रंस को रेन में भीगना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर कितने को अच्छा लगता है, 1, 2 एंड 3 पार्ट है। आप देख सकते हो सर्कल के टोटल 1, 2, 3, 4 पार्ट मैंने कर दिए है। उसमें से 3 पार्ट ऐसे है जिसमें बच्चे लाइक करते हैं बारिश में भीगना। तो हम क्या करेंगे, टोटल क्या है, टोटल पार्ट कितने हैं, 1, 2, 3, 4। 4 में से 3 पार्ट में तो बच्चों को अच्छा लगता है, इसलिए हम क्या कर देंगे, 3/4 मेन सर्कल में से 3/4 चिल्ड्रंस ऐसे हैं जिसको बारिश में भीगना अच्छा लगता है। अब हाउ मैनी चिल्ड्रंस डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन। अब कितने चिल्ड्रंस ऐसे है जिसको बारिश में भीगना अच्छा नहीं लगता है, हम देख सकते हैं। देखो सर्कल का जो 1/4 हिस्सा है उसमें ही आप देख सकते हो को उनको अच्छा नहीं लगता है, बाकी सबको तो अच्छा लगता है। मीन्स 4 पार्ट में से एक ही पार्ट ऐसा है जिसमें बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। तो हम क्या करेंगे, कितने चिल्ड्रंस है, तो 1/4 चिल्ड्रंस है जिनको बारिश में भीगना अच्छा लगता नहीं है। ओके, नेक्स्ट है इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन द क्लास इज 28 देन टेल द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु लाइक टू गेट वेट इन द रेन एंड हु डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन। यहाँ पर बोला गया है द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन द क्लास इज 28 तो देन टेल द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु लाइक टू गेट वेट इन द रेन। अगर क्लास में टोटल 28 चिल्ड्रंस है, टोटल चिल्ड्रंस कितने हैं 28, तो 28 में से कितनों को यहाँ पर भीगना अच्छा लगता है और कितनों को भीगना अच्छा नहीं लगता है। तो मान लीजिए टोटल कितने हैं 28, मीन्स 28 का हम 4 पार्ट कर देंगे तो 7 + 7 + 7 + 7 7 4 कितने होते हैं 28, 7 + 7 = 14, 14 + 7 = 28, 28 + 7 = 28 हो गए। तब यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं तो 28 में से कितने चिल्ड्रंस ऐसे हैं जिनको रेन में बारिश में भीगना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो, देखो 7 + 7 + 7 कितना हुआ 21, तो 21 चिल्ड्रंस ऐसे हैं जिनको बारिश में भीगना अच्छा लगता है। हु डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन। अब ऐसे कितने चिल्ड्रंस हैं जिनको बारिश में भीगना अच्छा नहीं लगता है, तो वो तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कितने हैं, ओनली 7 चिल्ड्रंस ऐसे हैं जिनको बारिश में भीगना अच्छा लगता नहीं है। ओके, नेक्स्ट है टी कॉफी और मिल्क। सम चिल्ड्रंस वेयर आस्क्ड विच ऑफ दिस दे लाइक मोस्ट, टी कॉफी और मिल्क। तो यहाँ पर बोला गया है सम चिल्ड्रंस वेयर आस्क्ड विच ऑफ दिस दे लाइक मोस्ट। यहाँ पर चिल्ड्रंस ने पूछ कर लिखा है कि कितने चिल्ड्रंस को टी अच्छी लगती है, कॉफी अच्छी लगती है और मिल्क अच्छा लगता है। तो देखो द ड्रिंक दे लाइक, तो मिल्क वाले चिल्ड्रंस कितने हैं, कितने चिल्ड्रंस को मिल्क अच्छा लगता है, तो 20 चिल्ड्रंस दिए गए हैं। कॉफ़ी कितने चिल्ड्रंस को अच्छी लगती है, तो 10 चिल्ड्रंस को। एंड टी कितने चिल्ड्रंस को अच्छी लगती है, तो 10 चिल्ड्रंस को टी अच्छी लगती है।
यहाँ पर बोला है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर कितना हुआ, तो देखो 20 + 10 = 30, 30 + 10 = 40, तो टोटल चिल्ड्रंस कितने थे, 40 थे। 40 में से 20 लोग को मिल्क अच्छा लगता है, 10 को कॉफ़ी अच्छी लगती है और 10 को टी अच्छी लगती है। नेक्स्ट है फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल, आपको टेबल से फाइंड आउट करना है, चिल्ड्रंस हु लाइक मिल्क आर 1/2 या 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रंस। अभी ऐसे कितने चिल्ड्रंस है जो मिल्क लाइक करते हैं, तो 20 चिल्ड्रंस है, मीन्स वो 1/2 हुए कि 1/4 हुए, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल चिल्ड्रंस में से वो 1/2 हुए कि 1/4 हुए, तो टोटल चिल्ड्रंस कितने थे, 40 से, 40 में से 20 को मिल्क अच्छा लगता है, मीन्स 1/2 चिल्ड्रंस ऐसे हैं जिनको मिल्क अच्छा लगता है, ओके, तो 1/4 के ऊपर हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस हु लाइक कॉफ़ी आर हाउ मैनी ऑफ टोटल चिल्ड्रंस, टोटल चिल्ड्रंस में से कितने चिल्ड्रंस को कॉफ़ी अच्छी लगती है, 1/2 के 1/4, टोटल चिल्ड्रंस कितने हैं, 40 है, उसमें से कितने को कॉफ़ी अच्छी लगती है, 10 को ही अच्छी लगती है, तो 1/2 बोल सकते हैं, नो हम इसको क्या बोलेंगे, 1/4 बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट है शो द लाइकिंग फॉर टी कॉफ़ी एंड मिल्क इन अ चपाटी चार्ट, आपको चपाटी चार्ट में दिखाना है कितने चिल्ड्रंस को मिल्क अच्छा लगता है, कितने को कॉफ़ी और कितने को टी अच्छी लगती है, उसका हमें चपाटी चार्ट बनाना है। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, चपाटी ड्रॉ करनी पड़ेगी, यस हमें पहले एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। अब इसमें हमें डिस्क्राइब करना है कि कितने को मिल्क, कितने को कॉफ़ी और कितने को टी अच्छी लगती है वो, तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो सर्कल में से आधा मैंने मिल्क बता दिया है, मीन्स आधे चिल्ड्रंस को मिल्क अच्छा लगता है, 40 में से 20 को तो मिल्क अच्छा लगता है, इसलिए आधा सर्कल मिल्क, भी बाकी आधा बचा में से आधे कॉफ़ी और आधे टी, ऐसे हमें दिखा देने हैं। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं, देखो हम 4 पार्ट करेंगे तो कितने कितने के होंगे, 10 + 10 + 10 + 10 के होंगे, ये 10 + 10 मीन्स 20 मिल्क के, मीन्स आधा सर्कल हमें मिल्क के लिए दिखाना है, अब बाकी बचा आधा में से आधा कॉफ़ी के लिए और आधा टी के लिए, ओके। तो ऐसे आपको चपाटी चार्ट अपने नोटबुक में भी ड्रॉ करना है, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका चैप्टर 14 कंप्लीट होता है, यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट हो गया, ओके।